So now, the topic before us is communication of acceptance. ये एक बहुत ही टेक्निकल एरिया है जिसके आगे कई सब पार्ट्स हैं और सब में एक डिफरेंट टेक्निक यूज होती है. ठीक है जी. तो फर्स्ट 10 सेक्शंस का जो सबसे टेक्निकल एरिया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वही है, वो ये है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं. दो तरह स्टडी किया जाता है, व्हेन पार्टीज आर इंटरप्रेजेंटर्स और व्हेन पार्टीज आर नॉट इंटरप्रेजेंटर्स. तो हम इसको एक दुशंकु बना सकते हैं हम यहां. पार्टीज इंटरप्रेजेंटर्स, पार्टीज इंटर प्रेजेंटस और पार्टीज नॉट इंटर प्रेजेंटस. Parties interpresenters, parties not interpresenters. अब what is the meaning of the expression interpresenters? In presence of each other. अगर in presence of each other है, दोनों एक दूसरे की presence में offer acceptance कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये instantaneous communication हो रहा है. जैसे ही एक इंसान ने offer को बोला, दूसरे इंसान ने सुन लिया. यानी कि एज सून एज ऑफर इज मेड, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. एंड एज सून एज एक्सेप्टेंस इज मेड, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. तो इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाती है जब एक्सेप्टेंस मेड, यानी जब बनती है, जब होती है, जब बोला जाता है. तो लिखो एज सून एज एक्सेप्टेंस इज मेड, एज सून एज एक्सेप्टेंस इज मेड. जैसे ही एक्सेप्टेंस होगी उसी समय कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट भी हो जाएगी. अब दूसरी तरफ आ जाए, पार्टीज नॉट इंटरप्रेजेंटर्स. अब इसमें दो बातें होगी, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन या फिर नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन. ज्यादा टिकलिश जो है वो पहले लिख रहा हूं मैं, नॉन instantaneous communication. आजकल instant का जमाना है, फटाफट कि जो बोला उसी टाइम साथ के साथ दूसरा आदमी सुन रहा है. वॉइस कॉल्स, टेलीफोन, ठीक है, और चैटिंग. क्लियर? नॉन instantaneous और instantaneous जिसका आज जमाना है, instantaneous. Instantaneous communication, instantaneous communication, instant फटाफट. अब instantaneous के examples क्या है? Telephone, telex, studied under the heads telephone, telex. और अब present time में क्या क्या और चीजें आ सकती हैं, जैसे कि WhatsApp, ईमेल, चैटिंग, ईमेल चैटिंग, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, स्नैपचैट भी आप लिख सकते हैं, मैसेंजर, ठीक है, एंडलेस, ये एंडलेस है, ठीक है. आईटी रेवोल्यूशन इन इंडिया के बाद से तो ये एंडलेस हो गया है. क्लियर? अब इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के को इसलिए सबको एक ही हेड में स्टडी किया जाता है. पहले बात करते हैं नॉन इंस्टेंटेनियस की, जो है बाय पोस्ट. बाय पोस्ट, जब कम्युनिकेशन बाय पोस्ट हो रहा होता है तो सबसे पहली चीज आती है व्हेन एंड वेयर. कब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया और कहां एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया, व्हेन एंड वेयर. पहली चीज व्हेन एंड वेयर.
ये मैं पहले एक और सेशन में आपको बता चुका हूं, जहां पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ था, जिस स्टेशन जिस प्लेस पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ, उसी समय और उसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर? और फिर लिख सकते हो वेयर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। ठीक है जी। अब एक और इश्यू इसमें पैदा हो जाता है कि रिवोक जो कर सकते हैं एक्सेप्टेंस को, ठीक है, वो कब कर सकते हैं? ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर अगेंस्ट प्रपोजी। क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है कि एन ऑफर इज लाइक अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एन एक्सेप्टेंस इज लाइक अ लाइटेड मैचस्टिक। Once both they come into contact, an explosion occurs and heat and light comes. Clear? And this is a statement which is fully applicable to laws in England but not 100% applicable to laws in India. क्यों? हमारे यहाँ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाने के बाद भी किसी और इंस्टेंटेनियस मोड के द्वारा आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, टिल योर फैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स इन द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब तक प्रपोजर जिसने ऑफर दिया था, जब तक उसकी नॉलेज में, उसके ज्ञान में नहीं आ जाता कि हाँ मेरी ऑफर को हाँ हो गई है, तब तक अपनी हाँ को, वो हाँ जो चिट्ठी डाल दी गई थी, उसको वापस भी लिया जा सकता है। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। क्लियर? इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में जब एक लेटर पोस्ट हो गया, फिर बोथ पार्टीज आर बाउंड, concluded contract comes into existence, no party can go away from the contract. So ये एक difference है बड़ा between English law and Indian law. तो इसको हम दो तरह से study करते हैं, against proposer, against. अब communication when complete, communication when complete, जो मैंने ऊपर भी लिखा था, communication when complete, कब कंप्लीट होगी, अगेंस्ट प्रपोजर, अगेंस्ट एक्सेप्टर, अगेंस्ट प्रपोजर कब होगी, when it comes। आप एक बार सभी सेक्शन 4 देखिए। एज अगेंस्ट प्रपोजर when it is put in the course of transmission, ठीक है जी, as against proposer में हम लिखेंगे when letter is posted। clear? मैंने कल एक example दिया था कि जी मैंने आपको offer दिया और मैंने कहा 31 मार्च से पहले पहले आप अपना जवाब बताएं हाँ या ना। क्लियर? और उसके बाद मैं रास्ते में जा रहा हूं और रास्ते में शर्मा जी मिल गए। शर्मा जी को मैंने कहा, शर्मा जी याद है मैंने आपको ऑफर दी थी कि 31 मार्च, आज डेट है 21 मार्च, अभी 10 दिन पेंडिंग है। मैंने कहा याद है मैंने आपको एक ऑफर दी थी कि 31 मार्च से पहले आप बताओ क्या आप मेरा घर 1 करोड़ में खरीदने को तैयार हो या नहीं, यस और नो। और आज है 21 मार्च, अभी 10 दिन पड़े, पर मैं पहले बता रहा हूँ मेरा घर बेचने का मूड अब नहीं है, आगे से आई हेयर बाय रिवोक माय ऑफर। लेकिन आगे से शर्मा जी कहते हैं पर मैंने तो लेटर लिख लिया था, लेटर मेरी जेब में पड़ा है, ये देखो इट इज अ सील्ड एनवेलप जो कि मैं बस अभी पोस्ट करने जा रहा था। ठीक है, मैंने लेटर लिख लिया, तैयारी कर लिया और मैं अभी पोस्ट करने जा रहा था और ये लेटर आपको ही लिखा है और इसे मैंने लिखा है मेरा जवाब है हाँ। अब बताओ शर्मा जी के साथ क्या मेरा कॉन्टैक्ट हो गया, नहीं हुआ।
Can I revoke my offer before the stipulated time? Answer is yes. समझ में आया? अगर वो लेटर पोस्ट कर चुके होते तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट मी दैट इज द प्रपोजर वुड हैव बीन कंप्लीट एंड इट वॉज नॉट इन माई हैंड टू रिवोक माई ऑफर. फिर मैं अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता था. और अब अगेंस्ट अगेंस्ट प्रपोजर कब कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है? व्हेन लेटर इज पोस्टेड. अब अगेंस्ट एक्सेप्टर, अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट हो जाता है? When it comes in the knowledge of the, when it comes in the knowledge of the proposer, exact words यहाँ use हुए हैं, ठीक है, comes to the knowledge of the proposer, comes to the knowledge of proposer. और मैंने बताया था बेयर एक्ट में गलती है. इलस्ट्रेशन में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो लिखा गया है व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय प्रपोजर. ओके, व्हेन ही रिसीव्स द लेटर, जबकि वर्ड्स होने चाहिए थे व्हेन ही इधर रीड्स द लेटर और व्हेन द फैक्ट ऑफ द, व्हेन द कंटेंट ऑफ द लेटर कम्स इन द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. क्लियर? और आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अगले टॉपिक के बारे में, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन. और एक बात करेंगे रेवोकेशन व्हेन कंप्लीट. ठीक है जी, ये दो टॉपिक्स अभी करने वाले हैं. लेट मी थिंक. ठीक है जी, लेट स्टार्ट विद इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन फर्स्ट. लेट मी सी अगर कोई केस ऐसा है. और ये जो पोस्टल रूल है, कैन इट बी एक्सक्लूडेड? यस, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट पार्टीज कैन एक्सक्लूड दिस रूल. और वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में बता चुका हूं, जहां लेटर पोस्ट किया गया वहां पर ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. लेटर लेटर लॉस्ट इन पोस्ट, मुझे एक ऑफर आया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, पर वो लेटर मैंने पोस्ट तो कर दिया, वो लेटर कभी पहुंचा ही नहीं. लेटर लॉस्ट इन पोस्ट, कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और नॉट? कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट तो तभी एग्जिस्टेंस में आ गया था व्हेन द लेटर वॉज पोस्टेड. नहीं तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेटर मिलने के बाद भी एक इंसान कह देगा मुझे लेटर मिला ही नहीं. समझ में आया? नॉलेज में आना जरूरी नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस में आने के लिए. आप समझिए इस बात को, उसकी ड्यूटी बन जाती है फिर चेक करें ना कि आपका जवाब क्या था. ओके, इट इनडायरेक्टली कास्ट अपॉन अ ड्यूटी ऑन द प्रपोजर टू गेट द रिप्लाई. समझ में? ड्यू डिलीजेंस हैज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रपोजर. ठीक है, एक इसमें साफ साफ मैं बता रहा हूं पॉइंट. ठीक है, इफ द लेटर इज लॉस्ट, ठीक है, कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस. एक मिनट और सोचने दीजिए. डिलीवरी ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन. ड्यू टू दिस रीजन लॉस्ट ऑफ लेटर इन पोस्ट से भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है. अब टेक्निकल पॉइंट क्या हुआ, मुझे एक प्रपोजल आया मिस्टर शर्मा का जो कि रहते हैं मकान नंबर 3001 सेक्टर 37 चंडीगढ़. क्लियर? और मैंने इस प्रपोजल को देख लिया और फिर मुझे पढ़ लिया, नंबर याद था मुझे, बीच में जीरो है, इधर थ्री है, इधर वन है, याद हो गया एड्रेस, और कोई शर्मा जी हैं. क्लियर? बाद में मैंने अपने दोस्तों से विचार किया, अपने भाई बंधुओं से विचार किया, 3 महीने का टाइम था मेरे पास सोचने के लिए, मैं सोचता रहा और फाइनली 3 महीने बाद मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि मेरा जवाब है हाँ, ऑफर एक्सेप्टेड. अभी लेटर पोस्ट करके शर्मा जी को बोल देता हूँ हाँ. मैं लेटर लिखा आपकी प्रपोजल के लिए, मेरा जवाब है हाँ, और लेटर पर एड्रेस लिखा
मिस्टर शर्मा कौन सा यार सेक्टर था, सेक्टर 37 था, चंडीगढ़ का था, मकान नंबर क्या था, इधर था 3, इधर था 1 और बीच में 0, हाँ याद आ गया 301, लेटर भेज दिया। अब बाद में उसके 6 महीने बाद मैंने शर्मा जी को पकड़ लिया कि जी ड्यू डेट आ गई, आपने अभी तक अपने मकान की रजिस्ट्री मुझे नहीं करवाई। कहती क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कोई लेटर नहीं मिला। मैंने कहा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा मैंने आपको लेटर भेजा है, मेरे पास सबूत है, स्पीड पोस्ट करवाया, रजिस्टर्ड पोस्ट करवाया, कुछ भी करवाया हो, आई हैव गॉट द रिसिप्ट। कहते दिखाओ रिसिप्ट, रिसिप्ट देखी गई, रिसिप्ट पर एड्रेस था हाउस नंबर 301। उसने कहा सचिन गोयल जी आप 10 लगाना भूल गए, मेरा एड्रेस था 3001, आपने जो लेटर भेजा है वो भेजा है हाउस नंबर 301, कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और नॉट। मैंने बताया इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट इन पोस्ट कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पर यहां बताओ आंसर नो कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, क्यों, एक्सेप्टेंस हैज बीन मेड टू समबडी एल्स। जबकि पॉवल वर्सेस ली का एक केस किया था याद आया कि और दूसरा किया था हमने फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। अब आप मुझे बताएं फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का रूल इस कहानी पर अप्लाई होगा या पॉवल वर्सेस ली, देखते हैं कौन इनकी जजमेंट्स को एनालाइज करता है। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का रूल इसमें अप्लाई होगा या पॉवल वर्सेस ली, आंसर फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। व्हाई नॉट पॉवल वर्सेस ली, क्यों, पॉवल वर्सेस ली का रूल यह था जिसको ऑफर दिया गया है जब तक वो खुद नहीं एक्सेप्ट करता तब तक नो एक्सेप्टेंस। वहां पर जो 6 मेंबर बोर्ड के चेयरपर्सन ने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, एक सिंपल मेंबर हु वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी ऑफिशियल डिक्लेरेशन, उसने बात लीक आउट की थी। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, ऑफरर प्रपोजर को हानि बोला गया था जबकि एक्सेप्टर ने अपने मैनेजर को बोला था, देयरफॉर नो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस हैज टू बी मेड टू द प्रपोजर। तो यहां पर भी एक्सेप्टेंस शुड हैव बीन मेड टू मिस्टर शर्मा ऑफ हाउस नंबर 3001 एंड नॉट मिस्टर शर्मा ऑफ हाउस नंबर 301। 3001 नंबर को लेटर भेजना था ना कि 301 को, तो रूल लगेगा फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। इज माय पॉइंट क्लियर, क्या मैं चलूं आगे, और आगे चलते हैं। इसको अब हम करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, यानी एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन सबसे पहले करेंगे, टेलीफोन के बाद आएंगे टेलेक्स पर, टेलीफोन पर आ जाओ। एक बहुत ही फेमस जजमेंट है इस पॉइंट पर जिसका नाम है टेलीफोन रूल, समझाने के लिए भगवान दास गोवर्धन दास केडिया जजमेंट, काफी भारी भरकम और बड़ा नाम है, अहमदाबाद का केस है, भगवान दास गोवर्धन दास, भगवान दास गोवर्धन केडिया, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल परशोत्तम दास, गिरधारी लाल परशोत्तम दास, परशोत्तम दास एंड कंपनी 1966 केस वर्सेस
भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल परशोत्तम दास एंड कंपनी 1966 केस, जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस शाह की डिवीजन बेंच ने फैसला दिया। जस्टिस हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला एंड जस्टिस शाह, ये कपास के जो बीज होते हैं उसकी एक बड़ी डील का सौदा था, उसका एक एग्रीमेंट था। फोन पर एग्रीमेंट हुआ था और पहला फोन जो गया था वो कहां से गया था? अहमदाबाद से। प्लेंटिफ मेड एन ऑफर फ्रॉम अहमदाबाद टू द डिफेंडेंट्स एट खानगांव। क्लियर? अहमदाबाद से गया प्रपोजल कहां? खानगांव, कैच। क्लियर? ऑफर यहां गया है फोन पर कि क्या तुम इस रेट में माल खरीदने को तैयार हो। आगे से इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया फोन पर, एक्सेप्टेंस। लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। डिफेंडेंट्स एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन फोन और बाद में लड़ाई हो गई तो प्लेंटिफ सूड फॉर कॉम्पनसेशन। इशू क्या है? वेदर कन्वर्सेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रिजल्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एट खानगांव और एट अहमदाबाद। कहानी ये थी केस कहां चलेगा। अहमदाबाद से ऑफर गया, सुनाई दिया खानगांव में, खानगांव से एक्सेप्टेंस बोली गई, सुनाई दी अहमदाबाद में, तो कहां पर केस चलेगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट किस जगह पर हुआ था? एनीबडी? देखिए, भारत का ये पहला इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन पर होने वाला एक केस था। इससे पहले भारत में ऐसा कोई केस नहीं हुआ था। तो इस कारण से, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ पर आधारित है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश लॉ पर आधारित है, इसलिए इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल्स को देखा गया। और इंग्लिश लॉ में ऐसी जो लैंडमार्क जजमेंट है उसे हम एंटॉर्स केस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एंटॉर्स केस, जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा था बाय टेलेक्स मशीन, बाय टेलेक्स, टेलेक्स भी जिसको आज हम फैक्स कह देते हैं, ये फैक्स जैसी ही मशीन होती थी। और इसके जज थे, उनका नाम था जस्टिस डेनिंग, जस्टिस डेनिंग, जस्टिस डेनिंग ने ये जजमेंट प्रोनाउंस की थी। और वहां पर ऑफर लंदन से दी गई थी और कहां पहुंची? हॉलैंड। हॉलैंड का आज का प्रेजेंट नेम है नीदरलैंड। और हॉलैंड से टेलेक्स मशीन के द्वारा हां बोला गया और इट रीच्ड लंदन। ठीक है? एन ऑफर वाज मेड फ्रॉम लंदन बाय टेलेक्स टू अ पार्टी इन हॉलैंड एंड द ऑफर वाज ड्यूली एक्सेप्टेड इन हॉलैंड। इशू वाज वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड इन हॉलैंड और इन इंग्लैंड। सो कोर्ट दैट इज जस्टिस डेनिंग ही हेल्ड दैट टेलेक्स इज अ मेथड ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। लंदन से ऑफर चली, हॉलैंड पहुंची, हॉलैंड से एक्सेप्टेंस चली और लंदन पहुंची। तो जहां पहुंची है एक्सेप्टेंस वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये पोस्टल रूल से उल्टा है। पोस्टल रूल में जहां लेटर पोस्ट किया गया वहां पर कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है? जबकि यहां पर उल्टा है। यहां पर जहां पहुंची है, जहां सुनी गई है, या फिर जहां पर टेलेक्स मशीन से कागज बाहर आया है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इज माय पॉइंट क्लियर? सो ज्यूरिसडिक्शन कौन सी कोर्ट की बनेगी? लंदन कोर्ट की। तो वहां पर भी उन्होंने कहा ऑफर निकली थी अहमदाबाद से, पहुंची खानगांव, खानगांव से शुरू हुई एक्सेप्टेंस, पहुंची अहमदाबाद, तो अहमदाबाद कोर्ट में केस चलेगा। समझ में आया? यानी किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में? जहां पर एक्सेप्टेंस पहुंची है
जहां पर एक्सेप्टेंस का फोन सुना गया है, क्लियर। लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट से इस तरह के प्रिंसिपल्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा बिजनेस में लिख देता है कि जहां उसका ऑफिस है वहां कोई चलेगा। इवन कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हमने भी टर्म्स एंड कंडीशन में लिख रखा है, ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एट चंडीगढ़ ओनली। क्लियर, समझ में आया। और आगे चलते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, टेलेक्स इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन का भी। मे आई प्रोसीड फर्दर? ठीक है, 3:2 की रेशो में 1955 में ये केस डिसाइड किया गया था। एंटॉर्स केस का पूरा नाम भी बता देता हूं, ये 1955 का केस है और पूरा नाम लिख लो, एंटॉर्स लिमिटेड, एंटॉर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन, माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन। और जो गिरधारी लाल वाला केस है वो 1966 की जजमेंट है, जो 1966 की जजमेंट है गिरधारी लाल वाला केस, यानी भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल परशोत्तम दास एंड कंपनी। इज माई पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं। कल मैंने आपसे एक और सेशन में आपसे बात की थी कि एक्सेप्टेंस मे बी बाय कंडक्ट, इट मे बी बाय वर्ड्स। क्लियर, एक केस है इसी पॉइंट पर, वेरी फेमस केस, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ब्रॉकडन। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ब्रॉकडन, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 केस, 1877 केस। रेलवे कंपनी को कोयला सप्लाई करता था ब्रॉकडन, ठीक है जी, और उसको रेगुलरली उसके लिए पेमेंट मिलती रहती थी, मगर दोनों के बीच में कोई फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट नहीं था। क्लियर, जितना जरूरत होता था ये हम कोयला से खरीद लिया करते थे, मगर काम बढ़ा, स्केल साइज बढ़ा, तो जाहिर सी बात है इनको जरूरत महसूस हुई मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को कि क्यों ना एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए मिस्टर ब्रॉकडन के साथ। इन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया, क्लियर, और उसको दे दिया ब्रॉकडन को। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बता देता हूं, एग्रीमेंट वॉज सेंट टू ब्रॉकडन विद सम फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, एंड दिस मैन ब्रॉकडन फिल्ड अप दोज ब्लैंक्स एंड गेव द एग्रीमेंट बैक टू द एजेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, और उसने उसको अपने टेबल के ड्रॉर में रख लिया विदाउट फाइनल अप्रूवल हैविंग बीन सिग्निफाइड। उसके ऊपर जो कंपनी के डायरेक्टर्स का जो साइनिंग अथॉरिटी के साइन अभी होने थे हुए नहीं, क्लियर। और होता क्या है, काम रुकना नहीं चाहिए इसलिए कोयला सप्लाई होता गया, पर अब जो नया एग्रीमेंट बना था, नए जो फिल इन द ब्लैंक्स भरे गए थे, जो फॉर्मल एग्रीमेंट रिटर्न में हुआ था, अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर पेमेंट रिसीव करने लगा ब्रॉकडन। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पहले चला करती थी वो बदल गई और अब नई टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई, वो एग्रीमेंट
जो रिटर्न में था, मगर नॉट साइंड फाइनली बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ओनली साइंड बाय वन पार्टी ब्रॉकडन, जिसे फिर इन द ब्लैंक्स फिलअप किए थे. समझ में आया? अब नो सिग्नेचर्स, इट मींस नो एक्सेप्टेंस. अब आप बताएं चक्कर कहां पड़ा, वो बता देता हूं. जो ये एग्रीमेंट था, इसके अंदर कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस में खास बात क्या थी? आर्बिट्रेशन क्लॉज था. देयर वाज अ डिस्प्यूट एंड देन अ सिविल सूट वाज फाइल्ड. इसने कहा जो नया एग्रीमेंट है वो अप्लाई होगा और ये आर्बिट्रेशन के हिसाब से फैसला होना चाहिए, यानी न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे. इसने कहा न्यू एग्रीमेंट तो अभी फाइनल हुआ ही नहीं, अब आप बताएं नया एग्रीमेंट चलेगा या जैसे पहले चला रहा था वैसे चलेगा? नया कैसे? बाय कंडक्ट इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी. Although there was no express acceptance, there was no explicit acceptance, but by conduct, although it was not by words, but by the conduct, क्योंकि नई terms and conditions हिसाब से payment हो रही थी, सारा कुछ माल का लेन देन भी नई नए वाली conditions के हिसाब से हो रहा था, यानी नए agreement को by conduct इन्होंने accept कर लिया, यानी नया agreement लागू हो गया. Clear? Very important judgment. और What is the difference between English law and Indian law over that point? Mode, manner of acceptance. 7 clause 2 जो है हमारा, हमारे यहां तो हम कहते हैं कि इंडियन लॉ डिफर्स फ्रॉम इंग्लिश लॉ. हमारे यहाँ ये कहते हैं कि उसी मोड में करो या फिर किसी रीजनल मोड में किया तब भी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाती है. बट इंडियन लॉ डिफर्स फ्रॉम द कॉमन लॉ पोजिशन इन इंग्लैंड इन दिस. यहाँ पर तो एक्सेप्टेंस बाय अ मोड अदर देन द वन प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर वुड अमाउंट टू अ काउंटर ऑफर इफ एनी ऑब्जेक्शन इज नॉट रेज्ड बाय द ऑफरर. ठीक है जी. And it would result into contract, then this is in return accepted. English law is also now coming partly in line with Indian law. ठीक है, जो एक body है uniform law on the formation of contract for the international sale of goods, it also appended to the ULIS uniform law on international sales act, कि prescribed manner में अगर ना होकर reasonable manner में भी अगर एक्सेप्ट कर लिया तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. जो इंडिया का पॉइंट है वो सही है. क्लियर? अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अलावा किसी और मैनर में आपने अगर एक्सेप्ट किया है तब भी वो वैलिड होगा, अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती है तो. अब ये इंटरनेशनली इसको सही माना जा रहा है, ये भी एक अलग पॉइंट है. चले आगे. यहाँ पर मेनली कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के सभी पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं. दैट्स इट. ठीक है जी. Please like this video, give your valuable comments, share this with your friends so that they can also get the benefit. And the most important thing, do subscribe to our channel Krishna Coaching. Do press the bell icon so that you get the notifications in time.